पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गुरुवार को कबीर नगर में शान इंटर कॉलेज का वार्षिक उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ तरन्नुम परवीन ने नाथ शरीफ पेश करके किया। इसके पश्चात स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित मधुबाला त्यागी रही। कार्यक्रम में फिल्मी गानों पर बच्चों ने जमकर नृत्य किया। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए देशभक्ति गीतों पर सलामी दी। तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मधुबाला त्यागी ने सभी बच्चों का संवर्धन किया। कार्यक्रम का संचालन कर छात्राओं ने अपने संचालन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में फरीद अहमद, मोहम्मद जुल्फिकार, सुनील कुमार, प्रबंधक यास्मीन शान सहित कॉलेज के स्टाफ का सहयोग रहा। कॉलेज का 26वां वार्षिक उत्सव एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती मधुबाला त्यागी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रधानाचार्य आज आई हैं। बच्चों ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, जिसमें गीत, गज़ल, कव्वाली, देशभक्ति गीत, नन्हे मुन्ने बच्चों के ग्रुप डांस और कई ऐसे आइटम्स यहाँ पर पेश किए गए हैं जो इस क्षेत्र के लिए पहली बार हुए हैं। ये वो कॉलेज है जहाँ पर आसपास पहले कभी आबादी ही नहीं थी और अब यहाँ आबादी होने के बाद यहाँ के गार्जियंस अपने बच्चों को यहाँ पर भेज रहे हैं। मैं इस मौके पर सभी अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके बच्चे इस काबिल बने कि वो यहाँ पर ये प्रस्तुति दे सकें। छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा ही इंसान को मनुष्य बनाती है, यानी शिक्षा के जरिए ही हम ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं। बिना शिक्षा के आज के ज़माने में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जो गार्जियंस पढ़े लिखे नहीं हैं वो यही हार करके कहते हैं कि हम तो नहीं पढ़ सके, लेकिन कम से कम हमारे बच्चे पढ़ जाएं और जो मुश्किलें हमारे सामने अनपढ़ रहते हुए आ रही हैं वो आने वाली जनरेशन के साथ ना आए। सर, इस तरह के प्रोग्राम करने का उद्देश्य क्या रहता है? किसी भी विद्यालय में केवल लिखना पढ़ना सिखा देना ही नहीं होता शिक्षा का उद्देश्य, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य ये भी होता है कि बच्चे अपनी झिझक तोड़ करके माइक पर बोल सकें या कहीं भी अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। इस मामले में हमारा कॉलेज आगे है और ये बच्चे आगे किसी ना किसी कंपटीशन में ज़रूर अपना नाम रोशन करें।